हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे रेहू फिश करी। रेहू फिश करी बनाने के लिए हमने जिससे फिश लाया था उसी से कटवा लिया था और इसे अच्छे से हमने 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लिया है। अभी इसके लिए हमें लगेगा, ये हमने लहसुन की कलियाँ लिए हैं कुछ, ये 5 से 6 हरी मिर्च लिया हमने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 2 प्याज 2 टमाटर हमने लिया है, और ये हमने ले लिया है हाफ बाउल सरसों। इसे हम पहले पीस कर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम ये जार में सरसों डाल लेंगे और इसे पहले हम ड्राई पहले 1-2 बार चलाकर पीस लेते हैं। हमने इसे ड्राई थोड़ा सा पीस लिया है। अब ये हम सबको थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़े में काट कर ये अदरक लहसुन मिर्च को हम इसमें डाल लेंगे। ये हमारा लहसुन है, 1 मुट्ठी के आसपास हमने लिया है और इसे हम पानी डालकर पीस लेंगे। इसमें हमने पानी डाल लिया है, जितना थोड़ा सूख जाएगा तो और पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। ये हमने बारीक में मसाला को पीस लिया है। अब इसे साइड करते हैं। अब हम लेते हैं फिश, इसमें हम मिला लेते हैं नमक और हल्दी। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे और 1 स्पून के आसपास हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। इसमें हल्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो ठीक रहता है, कम डालेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हल्दी थोड़ा और पड़ेगा। इसे अच्छे से हम कर लिए। अब इसमें जो हमने ये मसाला लाया है पीस लिया है उसे 1 से 2 स्पून इसमें हम डाल लेंगे। तो अच्छे से सारा मसाला इसमें हम मैरिनेशन कर देते हैं। ये हमने मसाले इस पर सारे कोट कर दिए हैं, मैरिनेशन कर लिया। अब इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। ये हमने ऑयल को गरम कर लिया है, ये देखिए धुआं भी थोड़ा थोड़ा फेंकने लगा है। अब इसे एक बार हम इस तरह से सब तरफ फैला लेते हैं। उसके बाद इसका स्लो कर देंगे गैस ताकि ज़्यादा छिटके नहीं, और इसमें हम एक एक करके फिश को डालेंगे। अटेगा उतना हम डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसका गैस को अब हम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर ही इसे हमें सेकना है और अभी इसे टच नहीं करना है, नहीं तो टच करेंगे तो ये अच्छे से नीचे फ्राई नहीं हो पाएगा और टूट जाएगा। इसे एक तरफ से पूरा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे। तो हम एक तरफ से गोल्डन कर लेते हैं फिर पलट लेंगे। ये हमारा फिर देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गया है, इसे हम पलट लेते हैं। इसे हम और दूसरे तरफ से पका लेते हैं गोल्डन होने तक। ये फिश देखिए अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। जबरदस्त बना है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे फ्राई भी खा सकते हैं, लेकिन इसका हम आज करी बनाने वाले हैं, फिश करी। इसी तरह से हम सारे फिश को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने फिश को सारा फ्राई कर लिया है, ये कोटिंग बहुत अच्छा से आया है। देखिए गोल्डन गोल्डन कितना अच्छा फ्राई हो गया है, एक भी फिश टूटा नहीं है देखिए, और कितना अच्छा है अंदर से देखिए, एकदम जूसी सा और ऊपर से क्रंची क्रंची सा हो गया है। इसे हम अब चलते हैं ग्रेवी बना लेते हैं। हमने उसी तेल में थोड़ा सा और तेल डाल लिया है और इसे हम थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे, तब तक इधर मसाला घोल लेते हैं। ये हमने मिर्ची लाल मिर्च जो होता है उसे हमने
पीस कर, और जीरा को हमने सिलबट्टे पे पीस लिया है। अब इसमें हम डाल लेंगे हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, काली मिर्च 1/4, धनिया पाउडर 1 स्पून, और जीरा को तो हमने साथ में पीस लिया है मिर्च के साथ। और इसे हम कलर के लिए इसमें 1 स्पून हम कश्मीरी रेड चिली डाल लेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए। और इसे हम पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। इसमें हमने 2 स्पून के आसपास हमने इसमें पानी डाल लिया है और इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये मसाला को हमने घोल लिया है, अब इसे साइड रखते हैं। और ये जो हमने तेल गरम किया है इसमें हम डाल लेंगे 1/2 स्पून खड़ा जीरा, 1/2 स्पून मेथी और 2 से 3 हम लाल मिर्च खड़ा डाल लेंगे। और इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे, ज़्यादा तड़केगा तो ये मेथी जो है वो थोड़ा कड़वा कर देता है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने सरसों का मसाला बना कर रखा था उसे हम इसमें डाल लेंगे। ये जो हमने जार में मसाला पीसा था उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी हम एक साथ डाल लेंगे और इसे हम चला लेंगे। ये थोड़ा छिटकता है तो थोड़ा गैस को स्लो ही रखेंगे, नहीं तो ये बहुत सारा गैस को पूरा गंदा कर देगा। और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, 1-2 मिनट तक इसे हम भून लेते हैं। ये हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाला तैयार करके रखा है उसे हम डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी हम डाल लेते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। इसका पानी जब तक सूख जाता है इसे हम भून लेते हैं। देखिए मसाला भून गया है, ये कितना पानी था अभी कैसा हो गया है ये देखिए। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2 हमने टमाटर काट लिया है उसे हम डाल लेंगे और साथ ही अब हम डाल लेंगे इसमें नमक। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे। ये हमें चावल के साथ खाना है तो इसका ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो उसके हिसाब से हम नमक डाल लेते हैं और इसे भी 2 मिनट और भून लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं, 2 मिनट हमने भून लिया है और जितना हमको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से हम पानी डाल लेंगे। ग्रेवी जितना हमें रखना है उतना हमने इसमें पानी डाल लिया है। अब इसे हम उबाल आने देते हैं, उसके बाद इसमें हम फिश डालेंगे। ये देखिए 2 मिनट तक हमारा ये करी जो है ग्रेवी हमारा उबल गया है। अब इसमें हम फिश डाल लेते हैं। इसे हम 5 मिनट तक इसे इसी तरह से उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसे गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम धनिया का पत्ता डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा फिश करी बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हम अब फिश निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप अगर दूसरे तरह से भी बनाते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा और ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। ये देखिए हमारा फिश करी बनकर रेडी हो गया है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में हमारा रेसिपी आपको कैसा लगा और एक लाइक कर दीजिएगा
और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।